Hey guys, welcome to Atrey Sisters 2.0 channel. I'm Atrey and I'm Kanti. तो आज हम बना रहे हैं vlog and आज date है 16th of August and हम अभी बता दें आपको कितना टाइम हो रहा है, रात के बज रहे 8:30 एंड हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने गदर 2 एंड जैसे कि आपको पता है गदर 2 का बड़ा ही क्रेज हो रखा है आंटी अंकलों में, मतलब आंटी अंकल का मेरा मतलब है मम्मी डैडियों में. यस, तो हमारे डैडी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए. सो आपका बताना कि आपकी मम्मी डैडी एक्साइटेड है कि नहीं, बिकॉज ये उनके जमाने की मूवी है जो पहला पार्ट आया था इसका, तो लोग ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है, तो हम भी बहुत एक्साइटेड है. एंड हमारा शो है रात के 11 बजे का एंड हम लोग निकलते हैं अभी क्योंकि हमें इसके बाद पहुंचते डिनर करना है, फिर हम मूवी देखेंगे. जी लाइक काफी पैक्ड अप शेड्यूल है हमारा गाइस, सो लाइक लेट्स गो गाइस, वी आर गेटिंग सुपर डुपर लेट हमेशा की तरह. जब भी हम व्लॉग करते हैं हमारा यही होता है कि हम लेट हो रहे हैं. एंड आज हमने थोड़ा सेटअप इस तरीके से रखा है क्योंकि हम इतने लेट हो रहे थे कि हमने रील बनाई थी गेट रेडी, तो हमने वही एंगल रहने दिया, बस उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में कर दिया है, इसलिए फटाफट से इंट्रो शूट कर रहे हैं एंड अब निकल रहे हैं गाइस. सो अगर हमने कुछ जल्दबाजी में मिस्टेक कर दी हो तो हमें माफ कीजिएगा. सो लेट्स गो गाइस. हाँ बैठो अम्मा. हेलो, हम जा रहे हैं गदर 2 देखने के लिए. मैं आप ही बैठो. हम भी पहले आए थे पर जगह नहीं मिली. हम एक दिन आए थे यहाँ पे, लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था, बहुत भीड़ थी, चले गए. हाँ जब आए थे उस दिन उसको है ना. हाँ भैया सोशल की एंट्री कहाँ से होगी भैया? सोशल के लिए एंट्री ठीक है, थैंक यू. सो हम आ गए हैं डिनर करने के लिए सोशल. आज सब लोग ट्विनिंग करके आए. मैं ऑलवेज ट्विनिंग और भैया भाभी घूर सके मॉल में, यू नो दृष्टि को भी सब हमेशा ही ऐसे तारते हैं, जैसे पता नहीं कहाँ से एलियंस आ गए. और या आज इन लोग के लिए भी एक्सपीरियंस करना काफी बढ़िया रहेगा. गाइज हम आ गए हैं बाहर लाइक काफ़ी दिनों बाद डिनर करने के लिए पूरी फैमिली, बिकॉज ऑफ चीकू, बिकॉज चीकू का ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए ऋषि का आज हमने उसके हवाले छोड़ दिया है. ऋषि का हमारी लास्ट लाइक एक सपोर्ट सिस्टम होती है कि उसी के हवाले हम चीकू को छोड़ सकते हैं, वही बेस्ट ध्यान रखती है चीकू का, इसलिए हम कहीं बाहर भी फाइनली बाहर आ पाए हैं डिनर के लिए. या एग्जैक्टली लाइक आज वैसे बाहर मूवी देखने के लिए हम काफ़ी टाइम बाद आए सब साथ में. सो यार लेट्स गो. एंड काफ़ी अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट लग रहा है हमें, बड़ा मज़ा आ रहा है. लाइक रात में हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं, हमेशा हम डे में ही कोशिश करते हैं. यहाँ से 11 बजे का शो है तो लाइक घर पर तो घर अराउंड 3 बजे के आसपास पहुँच पाएंगे. जी हाँ एग्जैक्टली 3 बजे तक, उससे पहले तो नहीं पहुँचने वाले घर, तो बेचारे बच्चे लोग हमारे घर में ही सोएंगे आज, तो वहीं से स्कूल जाएंगे कल सुबह. लेट्स सी कैसा होता है बाकी. अम्मा क्या बोल रहे हो? 11 बजे इसलिए है हाँ, क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाते हैं, 9 बजे वाले में ट्रैफिक में फंस जाते हैं. हाँ मतलब 11 बजे तो बेटर है, टाइम बचेगा तुम्हारा और इस टाइम सब लोग फ्री होते हैं, भाभी का भी ऑफिस का टेंशन खत्म हो जाता है, सो इसलिए बेस्ट टाइमिंग है 11 o'clock. भैया का अपना चलता रहता है, लगता नहीं क्या है ये. सो यहाँ पर हम आए हैं डिनर करने के लिए, गाड़ी नीचे पार्क करके आए तो काफ़ी टाइम लग गया, राउंड लगा के आए हैं इधर, काफ़ी लंबा बढ़िया रास्ता. यहाँ पे हम करने वाले हैं डिनर, सॉर्ट ऑफ प्राइवेट वन. नाइस, अच्छा लग रहा है. मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है. गाइज हमारे डिनर के लिए ये थाली आई है जो जेल में मिलती है तो कैदियों को, और ये देखिए हम इसमें आज डिनर करने वाले हैं.
इसका पैसा ले रहे हैं हम लोग आपसे बताइए। इतनी महंगी जगह पे आने का फायदा ही क्या रहा जो हमें ऐसे थाली में खाना मिलने वाला है। ये एस्थेटिक है भाई, सोशल का एस्थेटिक है। जेल वाली थाली लो शुरू हो जाओ। अच्छा लग रहा है ब्रो। We are going to this place now to eat our pastries. पता नहीं किधर है, उधर जो स्टारबक्स की कॉफी देख रहे हैं। आ जाओ मियां, आप कुछ आ जाओ। पेस्ट्री नहीं चाहिए, मेरे को कॉफी चाहिए ना। इनको तो कॉफी है यार। क्या पूछ लिया आपने? कोई ब्राउनी ले लेते हैं। ये सब मुझे बिल्कुल फालतू रखेंगे, फालतू वो ब्राउन हाँ, सेक्शन अब वॉलनट वाले ले लेते हैं तो। हाँ वॉलनट सही है। हाँ ठीक है, वो उधर देखते हैं। साबु ओके, ब्लूबेरी वाली देख सकते हैं चाहिए तो। ना ब्लूबेरी ना अच्छी लगती है। देखो इसे सब्र नहीं हो रहा है, अभी से ये शुरू हो गई है। चेक दैट आउट ऑन इंस्टाग्राम। ओके अभी हम खाएंगे आराम से पेस्ट्रीज, कार में खाएंगे बिकॉज या 10:45 और 15 मिनट ही है मूवी शुरू होने के। कॉफी मिल चुकी है मामा, कॉफी दिखा दो, कि हर एक वीडियो में कॉफी दिखनी बहुत जरूरी है। सो हम कार में खा रहे हैं अपनी पेस्ट्रीज वगैरह बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं रहता बच्चा ज्यादा मूवी देखने के लिए। सो पहले ये खत्म कर लेते हैं। अच्छा बेटा पहुंच भी जाएंगे तो ये खत्म भी हो जाएगी। तो गाइस हम आ गए हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए। सो वी आर रेडी टू वॉच गदर 2। आर यू रेडी टू वॉच गदर 2? ये देखिए गाइस क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर दिया आप? अभी जस्ट खा के आए और अभी क्या कर रहे हैं? कैरेमल वाला मम्स फेवरेट। गाइज अभी हो गया है इंटरमिशन एंड अभी अपन बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं एंड मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी मूवी बनाई इन्होंने गदर 2 जो है। पहले जो थी वो तो मस्त थी नो डाउट, बट जो सीक्वल हमेशा होता है ना कुछ खास नहीं होता, बट ये वाली मूवी का मजा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लाइक न्यू है एंड अभी बहुत ज़्यादा पानी वैसे लग रही है। घर पर नहीं लगती है इतनी, पर यहाँ पर इतना ज़्यादा गलत सूख रहा है ना, तो भैया पानी लेने गए पॉपकॉर्न वगैरह हमें खाने लग रही है। मेरा बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा बिकॉज जस्ट डिनर गया था थोड़ी देर पहले। रेडी कैसे लगी मूवी? ठीक है, अच्छा है, दस फोन है। कितना एक्टिंग कर रहे यार, बहुत मस्त लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो गए
गाइस मूवी हमने देख ली है, बहुत ही मस्त लगी। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगी, जाके जरूर देखो। जो फर्स्ट वीक के फैम हो मस्त एकदम फैंटास्टिक थी, मुझे काफी अच्छी लगी। सबको एंड तक एक्साइटमेंट थी उसको देखने के। हां सीरियसली बिल्कुल बोरियत नहीं थी, बोरियत नहीं थी, बात है। भारी नहीं पड़ी हुई कि भाई बोरियत छा रही, कुछ नहीं हुआ। अभी चलते हैं एंड देखते हैं, अभी रुक अपन घर जा रहे हैं, क्योंकि और भी प्लान है। हम आ गए हैं, मैं ये भैया कहाँ पर आया हूँ? सेंट्रल प्लाजा गुड़गांव। रात के 3 बजे मुझे तो होश भी नहीं है, कहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। अब तो मुझे पता नहीं कहाँ से कौन सी इतनी लॉन्ग ड्राइव है, रोड ट्रिप है, ऐसा लग रहा है, ऐसा ही फील हो रहा है मुझे। तो अभी भैया लेके आए हैं सेंट्रल प्लाजा, जिससे कि आपने सुना ही होगा। एज यू गाइस नो कि डिस्ट्रो में कुछ ज्यादा घूमते नहीं है भारी इधर उधर, बिकॉज हमको पसंद ही नहीं है वैसे ज्यादा घूमने इधर उधर, बट भैया को बहुत पसंद है। भैया को पूरी रात ही सब घुमा डाले, आज पूरी कसर उधर निकाल लेते हैं, एक साल की कसर पूरी संभवी पूरी करना है। सो भैया हमें यहाँ पे लेके आए मम्मी को चाय, उसकी चाय पिलाने के लिए, और हमें किवेंट का शेक, जो कि मैंने बिल्कुल मना कर दिया है, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी खाने पीने का। सो मीठा खा लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमने पेस्ट्री जो खाई थी वो अभी हमने दोबारा खाई आके, क्योंकि बचा ली थी हमने बोले वो। सो यार तो टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर घूम के, भैया को था सबको इधर उधर घुमाना, तो जी हाँ वही हो रहा है। ना मैं भैया पे गुस्सा कर रही हूँ कि तुझे तो जगना नहीं सुबह, मुझे तो जगना था भाई, तो ये तो चलता रहता है गाइस। अभी चलते हैं, हाँ लगातार 3 साल लाइन में लग रही है, तो अभी चलते हैं गाइस, देखते हैं। एंड पीपल आर स्टेयरिंग एट अस बिकॉज़ आई एम ब्लॉगिंग सेम क्लोथ्स एंड ब्लॉगिंग आल्सो। सो गाइस ये गए भैया चाय ऑर्डर करने, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, पक्का मीठे का मन नहीं कर रहा। बस डैडी के लिए चाय हो रही है और किसी के लिए नहीं। सो मैंने भैया को धर लिया है आइसक्रीम लेते हुए। भैया क्या लेने आयो? आइसक्रीम। अभी मन कर रहा है, लग रहा है आइसक्रीम का, तभी बार बार हमसे पूछ जा रही है आइसक्रीम की। अभी आपका मन शुगर फ्री आइसक्रीम, हे भगवान, सारे शुगर फ्री। हां और हैंडमेड होता है, 8% भी कम होता है, और कोकोनट वाले तो वो भी नहीं होता, बोल रहे थे आप। हां खाइए तो, बोल खाइए, नहीं यार पेट भर रहा है एकदम। तो गाइस मुझे भी हमें इन्फ्लुएंस करके एक इवेंट का शेक चिपका दिया है, एंड भाभी अपना गिल्ट हटाने के लिए मेरे को जबरदस्त चपेट लिया यार। खुद आइसक्रीम खा रही तो उनको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं खा रही हूँ मीठा, इसलिए मेरे को जबरदस्ती केवटर से चिपका दिया है बबल गम वाला। भैया कर रहे हैं ऑर्डर, सो अभी शेक पीएंगे बबल गम वाला केवेंट का, वो अच्छा लगता है मुझे वैसे, एंड स्ट्रॉबेरी भी अच्छा होता है। सो और मम्मी एंड तो चाय पीने में लगे पड़े हैं चाय उसमें, चलते हैं उनके पास तब तक शेक रेडी होता है, एंड भैया अभी लेके जाएंगे शेक। सो लेट्स गो। सो दृष्टि अपलोड कर रही सारे स्टेटस वगैरह हमारे इंस्टाग्राम के लिए। बिरयानी चाय, देवी बिरयानी चाय, डैडी की तो आंखों में नींद भर रही है। डैडी तो घर में वैसे भी इस टाइम पे वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, कहीं सो जाते हैं डैडी इस टाइम पे, नहीं किसी किसी दिन तो तीन बजे सोते हैं। डैडी की इस टाइम कॉमेडी वीडियोस चल रही होती हैं और बज रहे हैं कितने, 3 तब नहीं आते। अगर सुबह सोते तो 9 बजे, हाँ तो मुझे तो 6 बजे जगना, और हमें कैसे सुनाते हैं 8 बजे से कि जगना नहीं है जगना, खुद तो 9 बजे सोते रहते हैं। कल देखेंगे आप रेडी हम कितने बजेंगे, हमें तो मत जगाना 10 बजे से पहले कर लगे। आगे भैया शेक लेके, एक और क्यों नहीं लेके आया स्ट्रॉन्ग, मुझे भाभी मैं मीठा नहीं खाती, शुगर फ्री आइसक्रीम खा रही है, शुगर फ्री है, जैगरी वगैरह। उसमें